नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनाओ जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट है CFL। इसको इससे पहले भी आपने मेरे साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया है। इसे क्रियो पैरामेट्रिक पर हमने बनाया है, KTI V5 पर बनाया है, इन्वेंटर 2020 पर भी बनाया है। तो आज हम इसे बनाएंगे NX12 पर। आप मेरे साथ इस कॉम्पोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ पर क्लिक किया मैंने, ये फाइल यहाँ से क्लोज हो गई। इस वक्त जो हमारे सामने स्क्रीन है, ये वो स्क्रीन है जब हम NX12 के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से मैंने ये मॉडल देखी, मॉडल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमें पार्ट मॉडलिंग करनी है तो हमें यही चाहिए। यहाँ से अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब जो फाइल ओपन होगी उसकी यूनिट MM होगी और यहाँ से हम मॉडलिंग शुरू करते हैं। स्केच पर क्लिक किया पहले मैंने, और यही वाला प्लेन जो इस वक्त हाईलाइटेड है यही मुझे चाहिए, और ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम सर्कल एक बनाएंगे। मैंने सर्कल पर क्लिक किया, एक क्लिक ओरिजिन पर, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाया। अब ये जो डायमेंशन नज़र आ रही है इसे ड्रैग करके बाहर लेकर आए। डायमेंशन के टेक्स्ट पर डबल क्लिक किया। टाइप किया 55 और एंटर प्रेस कर दिया और क्लोज पर क्लिक किया। ये देखिए चेंज हो गया डायमीटर इसका। फिनिश स्केच। अब यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। अब ये देखिए ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, हम इसे नीचे की तरफ लेकर जाएंगे ड्रैग करके। और वैल्यू दे दी हमने थिकनेस की 18 और ओके कर दिया। अब इसके बाद हम इसके इस वाले एज को फिलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वैसे हमारे सॉफ्टवेयर में फिलेट या फिर राउंड नज़र आता है, यहाँ पे एज ब्लेंड है। एज ब्लेंड पर क्लिक करेंगे और वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 ऑलरेडी इसमें है, हमें भी 3 ही चाहिए। तो हमने 3 टाइप करके एंटर प्रेस किया और इस ऑब्जेक्ट में यहाँ इस एज पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये कॉर्नर राउंड हो गया। अब इस स्केच पर, ये जो स्केच है यहाँ पे गई, जैसे ही हाईलाइट हुआ राइट क्लिक किया और इसे हाइड कर दिया मैं। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को हम हॉलो करेंगे, इसको शेल कमांड की मदद से हॉलो करेंगे हम। तो ये रहा शेल, और इस फेस पर क्लिक किया और यहाँ पर भी देखिए 2.5 ऑलरेडी, हमें 2.5 की वैल्यू चाहिए। अगर नहीं है तो हम 2.5 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे होलो हो जाएगा, इसका एक फेस ये वाला रिमूव हो जाएगा और ओवरऑल थिकनेस इसकी 2.5 हो जाएगी। ओके, यहाँ से मैंने, अब देखिए ये ट्राइमेट्रिक पर होम पोजिशन है जो इसकी, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से स्केच पर क्लिक करूँगा मैं, और अब इस बार ये प्लेन लेना मुझे, ये वाला XZ प्लेन, ये आया फिर कंफर्मेशन के लिए। ओके, इस तरह से हमें देखिए अब टिल्ट होकर दिखाई दे रहा है। प्रोफाइल पर क्लिक किया और ये देखिए यहाँ से ये तो सेंटर है, सेंटर पर ही क्लिक कर देते हैं और फिर इसके बाद इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, कितना 27.5, एंटर 0 टाइप करके एंटर, ये आ गया। इसके बाद एक क्लिक इधर, एक एंगल ऐसे और एक लाइन ये सीधी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसे चेंज करके, ये 12 है तो ये 12 ही रहेगी, 12 ही चाहिए हमें। अब रैपिड डायमेंशन पर क्लिक किया हमने, इस लाइन और ये जो लाइन है इसके इसके ओके पर क्लिक किया। यहाँ से कंट्रोल जेड करके वापस जा रहे हैं, इसे चेंज करेंगे। रैपिड डायमेंशंस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की जगह इन्वर्ट कर देंगे। इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसे हमें चेंज करके करना है 20। 20 टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया, क्लोज। ये लाइन जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 mm की। इस पर डबल क्लिक किया, 10, क्लोज। अब यहाँ से एक चेंज हमें और करना है, रैपिड डायमेंशन पर जाएंगे, इन्फर्ट की जगह हॉरिजॉन्टल करेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये होना चाहिए 2.5। 2.5 टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। इस तरह से देखिए ये चेंज हो जाएगा। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम ऑफसेट की तरफ। देखिए ये जो यहाँ पर ये पोर्शन है, इसे यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ये है ऑफसेट कर्व। यहाँ पर 2.5 ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें 2.5 का ही ऑफसेट चाहिए। 2.5 टाइप करके एंटर प्रेस किया
और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए इस डायरेक्शन में ये पूरी प्रोफाइल जो है 2.5 mm पे ऑफसेट हो गई। ओके पर क्लिक किया, अब इस प्रोफाइल को क्लोज करेंगे हम। क्लोज करने के लिए देखिए प्रोफाइल पे गए, क्लिक किया और एक क्लिक इस पॉइंट पर और एक क्लिक नीचे वाले पॉइंट पर किया, ये क्लोज हो गया। अब यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं इसे, प्रोफाइल पर क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक इस पॉइंट पर, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आया। अब यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक किया और एक्सट्रूड के बाद यहाँ रिवॉल्व है, देखिए रिवॉल्व पर क्लिक किया, सेलेक्ट कर्व, ये हाइलाइटेड है तो ये सेलेक्ट कर्व हो गई हमारी, और स्पेसिफाई वेक्टर, ये जेड डायरेक्शन है जो ये एक्सिस है, ये हमारे लिए वेक्टर हो गया, इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ओके कर देते हैं तो ये जो एक लाइन बीच में दिखा रही पार्टीशन की, ये हमें चाहिए नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनाइट पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट बॉडी वन, ये हमारे लिए बॉडी वन है, इसके साथ हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर बुलियन फीचर में नन की जगह हमने इसे यूनाइट ले लिया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये बीच की लाइन जो पार्टीशन वाली दिखाई दे रही थी ये गायब हो गई। अब ये जो स्केच यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे, सीधे जाके जैसे ये हाईलाइट होगा हाइट कर दिया इसे, ये हाइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्केच बनाएंगे, स्केच पर क्लिक किया और यहाँ से ये ट्राइमेट्रिक हो गया, और ये जो प्लेन है यही वाला वाई एक्स जेड जो पहले लिया था यही वाला प्लेन लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और एक दूसरा स्केच बनाएंगे। यहाँ से मैंने ये देखिए स्टैटिक वायर फ्रेम पर क्लिक किया तो ये हमें वायर फ्रेम में नज़र आने लगा। अब प्रोफाइल पर क्लिक किया, लेंथ यहाँ से जाएगी ये 15 mm, एंटर 270, एंटर। अब एक एंगल और एक इस तरह से, अब यहाँ से इसे चेंज करके हमने कर दिया 8। ओके अब ये लाइन तो सेंटर से आगे निकल गई। अब देखिए इसको सेंटर पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये है सेंटर, इस पर क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ कर दिया। अब यहाँ से जाएंगे हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में, ओके पैरेलल देखिए यहाँ पर सिलेक्टेड है, पैरेलल ही लिया हमने, इस लाइन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ नीचे क्लिक किया, अब इस लाइन पर क्लिक करेंगे, अच्छा अब ये जो है इसको एक बार चेंज करते हैं फिर से, इसने अपनी जगह ये बदली हुई है, यहाँ से ये 12.5 है। अब रैपिड डायमेंशन पर गए, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसे हम कर देंगे 12.5, तो देखिए ये अपनी जगह पर आ जाएगा जहाँ इसे आना चाहिए। अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, लाइन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दिया। अब हम अपना जो प्रोफाइल है उसको बनाते हैं आगे, ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ से, ये रहा ऑफसेट, इसी डायरेक्शन में 2.5, ओके अब इस प्रोफाइल को क्लोज करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाइन बनाई, ये क्लोज हो गया, इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब ये क्लोज हो गया, ये हमारा स्केच तैयार हो गया। यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक किया, अब शेडेड विद एजेस ले लिया, अब रिवॉल्व, ये हो गया हमारा स्केच, स्पेसिफाई वेक्टर, चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, इसी स्केच को दोबारा से रिवॉल्व करते हैं, फिनिश स्केच, रिवॉल्व पर क्लिक किया, स्केच पर क्लिक किया, स्पेसिफाई वेक्टर, जेड एक्सिस, ये देखिए ये रिवॉल्व हो गया और ओके पर क्लिक किया। यहाँ से हमने एक बार फिर डबल क्लिक करते हैं इस पर,
यहाँ से यूनाइट बॉडी वन है, ओके इस तरह से देखिए ये ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। यहाँ से राइट क्लिक किया इस पर और इसे भी हाइट कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हमें ऐसा नज़र आने लगा। चलिए अब इसके ऊपर हम जो है अब एक और स्केच बनाएंगे। स्केच पर क्लिक किया मैंने, इस फेस पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से सर्कल है, ये सर्कल बनाया हमने रैपिड डायमेंशन। रैपिड डायमेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं इसका, ये यहाँ पर ये देखिए ये डायमीटर नज़र आ रहा है, इस पर डबल क्लिक किया, 6 mm कर दिया क्लोज, और एक डायमेंशन ये नज़र आ रही है इसको मॉडिफाई करके कर देंगे हम 20, ओके। और एक डायमेंशन हमें और नज़र आ रही है वो ये है, ये जो सेंटर से ऑफसेट है 0.2 mm का, इसको कर देंगे 0। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगा। क्लोज पर क्लिक किया, यहाँ से फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, इसे डायरेक्शन चेंज करेंगे जैसे ही, तो ये 18 इसकी वैल्यू दे रखी है, इसे हम कर देंगे 5, इन्फर्ट की जगह कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और ओके। ये देखिए यहाँ पर ये अब होल नज़र आने लगेगा हमें। अब इसे हम सर्कुलर पैटर्न कर लेते हैं। सर्कुलर पैटर्न के लिए हम जाएंगे यहाँ पैटर्न फीचर, अब सेलेक्ट फीचर, देखिए हाईलाइटेड है, हमने ये एक्सट्रूड यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, स्पेसिफाई वेक्टर, हमने ये जो जेड एक्सिस है डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम की, इसे सेलेक्ट किया, ये हो गया हमारा एक्सिस। अब स्पेसिंग काउंट एंड स्पैन दे रखा है, यहाँ हम लेंगे काउंट एंड पिच, काउंट एंड पिच की जगह हम ले लेंगे यहाँ पर काउंट एंड स्पैन, तो ये 360 रहेगा स्पैन एंगल और काउंट रहेगा यहाँ पर 8। 8 टाइप करके एंटर प्रेस किया, ओके। ये देखिए ये इतने सारे यहाँ पर होल बन गए, ओके। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें चेंज होती हैं कैसे। अब यहाँ पर हमें एक्सिस चाहिए, एक्सिस के लिए देखिए डेटम प्लेन है, इसके नीचे डेटम एक्सिस है। पॉइंट एंड डायरेक्शन, हमने ये पॉइंट लिया, डायरेक्शन ये हमने ये देखिए जेड ये वेक्टर ले लिया, ओके अप्लाई। और इसके बाद ये पॉइंट ले लिए सेंटर का, और फिर से यही जेड ये ले लिया और ओके। ये दो देखिए हमें एक्सिस बन गए, इस पर मिल गए सेंटर पे। अब हम एक डेटम प्लेन बनाएंगे जो इन दोनों एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, ओके। तो डेटम प्लेन कमांड में गए, एक एक्सिस हमने ये सेलेक्ट किया और दूसरा एक्सिस ये सेलेक्ट किया। अब देखिए इन एक्सिस से होकर जाने वाला एक प्लेन यहाँ पर क्रिएट हो गया और ओके पर क्लिक कर दिया हमने। ये प्लेन जैसे ही हमें मिलता है, अब इस प्लेन पर हम एक स्केच बनाएंगे। यहाँ से हमने स्केच लिया, ये प्लेन सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया, इस तरह से देखिए दिखाई दे रहा है अब हमें। अब यहाँ से हमने इसको टिल्ट किया थोड़ा सा। अब प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमें सेंटर नज़र आ जाएगा इसका। सेंटर पर क्लिक किया, ऊपर की तरफ जाएंगे, लेंथ हमने दी 65, एंटर, एंगल दिया 90, एंटर, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब फिर ये पॉइंट पकड़ा, आर्क सेंटर लिया, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर से 65 एंटर और एंगल 90 एंटर, ओके। अब यहाँ से इस पॉइंट को मिलाकर जोड़ देंगे। अब कोई भी एक ये डायमेंशन, इनमें से कोई भी एक डायमेंशन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, ओके। ये देखिए यहाँ से अब ये डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो ओवर कंस्ट्रेन हो रहा था वहाँ से। अब यहाँ फिलेट क्रिएट करेंगे, ये देखिए चैम्फर है, यहाँ से ये फिलेट लिया हमने, फिलेट की वैल्यू रेडियस की दे दी हमने 3 mm, 3 टाइप करके एंटर प्रेस किया, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर और एक क्लिक ऊपर, एक क्लिक यहाँ पे, देखिए कॉर्नर्स फिलेट हो गया 3 mm से। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, फिनिश स्केच पर क्लिक किया। अगला अब हम जो स्केच बनाएंगे वो क्या करेंगे, देखिए स्केच पर क्लिक किया, ये फेस पर क्लिक किया, ओके। अब यहाँ पर हमें एक सर्कल बनाना है, ये पॉइंट लिया, डायमीटर ये बड़ा सर्कल बनाया, अब इसका डायमीटर हमने कितना
यहाँ से ड्रैग किया, इसे कर दिया 6 mm और क्लोज इस तरह से। अब फिनिश स्केच, अब यहाँ से मोर स्वेप्ट, स्वेप्ट कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट कर्व, ये है तो कर्व हमारे लिए हो जाएगा स्केच 16, ये कर्व हो गया, गाइड ये कर्व, ये हो गई हमारे लिए। देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट स्वीप यहाँ पर क्रिएट हो गया ये स्वेप्ट कमांड की मदद से। अब इसे हम पैटर्न करेंगे, पैटर्न करने के लिए पैटर्न फीचर पर गए, सेलेक्ट फीचर हाइलाइटेड है, स्वेप्ट को हमने सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई वेक्टर, और वेक्टर हो जाएगा यही वाला, ये जेड एक्सिस, काउंट एंड स्पैन लेंगे बस, यहाँ पर इस बार काउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और 4 टाइप करके एंटर प्रेस किया, ओके पर क्लिक कर दिया। इस तरह से देखिए दोस्तों ये यहाँ से CFL ये तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो यहाँ से सिलेक्शन फिल्टर लेते हैं और ये डेटम्स सेलेक्ट करते हैं और पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी डेटम्स होंगे देखिए सब सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट क्लिक हाइड इस तरह से। अब सिलेक्शन फिल्टर में लेते हैं स्केच, सेलेक्ट किया, स्केच सेलेक्ट हो गए, हाइड ओके। चलिए अब हम इसकी अपीयरेंस चेंज करते हैं, अपीयरेंस कैसे चेंज होगी, यहाँ से जाएंगे स्वेप्ट में, स्वेप्ट वाला पोर्शन राइट क्लिक किया, अब यहाँ से जाएंगे असाइन फीचर कलर, स्पेसिफाई कलर पर क्लिक किया, यहाँ से देखिए सेलेक्ट कलर ये ले लिया मैंने वाइट और ओके पर क्लिक कर दिया, अप्लाई। अब यहाँ से पैटर्न फीचर लिया, राइट क्लिक, असाइन फीचर कलर, स्पेसिफाई कलर, वाइट ओके, अप्लाई कैंसिल। अब ये जो नीचे वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने, मतलब जो भी फीचर्स हमने बनाए थे इन सबको सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड, एज ब्लेंड, शेल, रिवॉल्व, रिवॉल्व, एक्सट्रूड, पैटर्न फीचर, सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असाइन फीचर कलर। अब यहाँ पे कोई डार्क कलर ले लेते हैं, स्पेसिफाई कलर, यहाँ क्लिक किया, पैलेट ये नज़र आ रहा है कलर्स का, अब यहाँ पे कोई डार्क कलर ले लेते हैं, जैसे हमने ये डार्क कलर लिया, ओके अप्लाई ओके इस तरह से। अच्छा एक चीज़ इसमें अभी हम बनाना हम भूल गए हैं, वो भी बना लेते हैं इसमें, यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया, स्केच पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ से पहले तो हम यहाँ पे प्लेन्स जो है ना वो सारे ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने कि ये डेटम्स ले लिए, ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट किया, डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके बाद हाँ इसी को हम यहाँ से शो करेंगे, अब हमें प्लेन्स दिख जाएंगे यहाँ पर। अब प्लेन दिखने के बाद यहाँ से हमने स्केच पर क्लिक किया, स्केच पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ से ये है ट्राइमेट्रिक और ये प्लेन है जो थोड़ा सा नज़दीक जाते हैं, वाई जेड प्लेन ओके। यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे, ये थोड़ा सा ऊपर, और अब इसकी जो यहाँ से एस्केप दबाकर बाहर निकले, जो भी डायमेंशन इसकी दिखाई दे रही हैं उन्हें ड्रैग करके इधर उधर लेकर आएंगे, ये तो हमने बना लिया लेकिन डायमेंशंस की सेलेक्ट नहीं हो रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले ये डेटम्स में या नो सिलेक्शन फिल्टर करेंगे। अब देखिए अब ये डायमेंशन हमें जो है एक्सेस कर पा रहे हैं हम इन्हें, यहाँ पहले तो इसको इसे चेंज करके कर देते 3 mm, और यहाँ से इसे कर देते हैं 50, और देखें ऑफसेट कोई बिल्कुल सेंटर पे बनी होनी चाहिए, यहाँ सेंटर पर है, 0 दिखाई दे रहा है यहाँ पर बीच में। अब यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक करेंगे, फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद ये स्केच 20 इस पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ से वैल्यू सिमेट्रिक और सब्ट्रैक्ट की जगह नन
और ये बाहर आएगा यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा यहाँ से कितना 20, अप्लाई, कैंसिल, दोबारा जाएंगे एक्सट्रूड 21 पर, 20 की जगह इसे ले लिया हमने 18, ओके, अभी भी लंबा है ये, इसको 18 की जगह हम कर देते हैं कितना 16, ओके, ये देखिए इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, थोड़ा और छोटा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे 16 की जगह हमने 15 कर दिया, ओके, देखिए अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी, डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी हाइट कर देते हैं और यहाँ से इसे शेडेड ले आते हैं। तो दोस्तों ये था CFL इन NX 12। दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन से सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।